नमस्कार, मैं आयुषी। इस वक्त की खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र आमतौर पर अपने उपग्रह के प्रक्षेपण के बाद उनके बारे में लगातार जानकारी देता रहता है, लेकिन संचार उपग्रह GSAT-6A के प्रक्षेपण के 48 घंटे बाद भी इसकी ओर से इस बारे में कोई अपडेट नहीं दिया गया है। न्यूज रिपोर्टर्स के मुताबिक सैटेलाइट GSAT-6A के बारे में आखिरी अपडेट 30 मार्च को सुबह 9:22 पर मिला था, जब यह पहली कक्षा को पार किया। अभियान से जुड़े लोगों ने कहा कि सैटेलाइट ने दूसरी कक्षा को भी समान तरीके से पार कर लिया है, लेकिन इसके तुरंत बाद ही कुछ परेशानियां सामने आईं। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद सैटेलाइट में कोई तकनीकी खराबी आ गई है। गौरतलब है कि भारत के संचार उपग्रह GSAT-6A को अंतरिक्ष में ले जाने वाले भारतीय रॉकेट का आंध्र प्रदेश के हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र के गुरुवार की शाम सफल प्रक्षेपण किया गया था। GSLV रॉकेट लॉन्च की उल्टी गिनती गुरुवार सुबह सामान्य रूप से जारी रही। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अनुसार उल्टी गिनती बुधवार दोपहर 1:56 शुरू हुई थी। इस दौरान रॉकेट में ईंधन भरा गया और इसकी प्रणालियों की जांच की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को सपा बसपा गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। इसी बीच इस सवाल पर कि क्या वह भविष्य में कभी खुद को देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं, तो मुख्यमंत्री ने कहा, नहीं, मैं किसी पद के लिए दावेदार नहीं हूँ, मैं एक योगी हूँ। मुझे पार्टी ने प्रदेश की जनता की सेवा का अवसर दिया है, मैं प्रदेश की जनता की सेवा कर रहा हूँ। इस सवाल पर कि क्या उत्तर प्रदेश में ब्रांड मोदी या ब्रांड योगी कमजोर हो रहा है, तो योगी ने कहा, ब्रांड मोदी देश का एक ब्रांड बन चुका है, मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दे पर लड़ा जाता है, स्थानीय मुद्दों पर नहीं। दूसरा, हम लोगों ने प्रदेश में इससे एक वर्ष के अंदर कुछ अच्छा करने का प्रयास किया है, ये सारी चीजें गिनी जाएगी। योगी ने सपा बसपा गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि पहले विपक्ष तय कर ले कि उसके गठजोड़ का मुखिया कौन होगा। योगी ने एक समाचार चैनल से बातचीत में सपा बसपा गठबंधन के बारे में कहा, यह गठबंधन है या सत्ता की सौदेबाजी, पहले तो यह तय हो जाए। इस गठबंधन का नेता कौन होगा, अखिलेश यादव होंगे, मुलायम सिंह यादव होंगे या मायावती होंगी, या इस गठबंधन में कांग्रेस के भी जुड़ने पर राहुल गांधी होंगे। उन्होंने कहा कि सपा बसपा गठबंधन में कांग्रेस भविष्य का गठबंधन देख रही है। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पहले यह देखें कि उनकी जगह कहां पर है। मुख्यमंत्री ने आगामी लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन के 25-30 सीटें जीतने की केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले के अंदाजे के विपरीत कहा कि गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा उपचुनावों में हार के बावजूद 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतेगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को कश्मीरी पंडितों से अपील की कि वे घाटी में आएं। दिल्ली में कश्मीरी पंडितों से एक बातचीत सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर आना चाहिए, उनकी वर्तमान युवा पीढ़ी को यह देखना चाहिए कि वास्तव में उनकी जड़ें कहाँ हैं। हम सारे इंतजाम करेंगे, बीते समय में जो कुछ भी हुआ है वह दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन अब हमें आगे बढ़ना होगा। चरमपंथी इस्लामिक और आतंकवादियों की धमकी की वजह से 1990 के दशक में बड़ी संख्या में घाटी से कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हो गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुलह ही वह मंत्र है जिसे हमें अनुसरण करने की जरूरत है, और इसलिए मैं मोदी जी से गुजारिश करती हूं कि वह पाकिस्तान के साथ बातचीत करें। उन्होंने आगे कहा कि हमें पड़ोसी मुल्क से यह भरोसा लेने की जरूरत है कि वे अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं करेंगे। आखिरकार हम सब यही जानते हैं कि शांति बहाल करना पाकिस्तान के हाथ में है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और शोपिया में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया है। 3 अलग अलग जगह चले एनकाउंटर में अब तक कुल 11 आतंकियों के मार गिराया है, जबकि एक आतंकी ने आत्मसमर्पण कर दिया। कश्मीर में इस दशक का यह अब तक का सबसे बड़ा एनकाउंटर है, जिसमें एक ही दिन इतने आतंकियों को ढेर किया गया। शोपिया के द्रांगड़ गांव में 7 आतंकियों को ढेर किया गया, जबकि दूसरे ऑपरेशन में शोपिया के काचदोरा में 3 आतंकियों को मारा गया है। इसके अलावा अनंतनाग के दयाल गांव में एक आतंकी सुरक्षा बलों की गोलियों का निशाना बना है। इस तरह 3 अलग अलग जगह चल रहे एनकाउंटर में अब तक 11 आतंकियों को मारा जा चुका है। इस घटना के बाद अलगाववादी नेताओं ने 2 दिन का बंद बुलाया है।
अलगाववादी के समूह JRL ने आज और कल के लिए बंद बुलाया है। साथ ही लोगों से कामकाज छोड़कर आज शाम 4 बजे जनाजे की नमाज में हिस्सा लेने के लिए भी कहा है। बताया जा रहा है कि शोपिया के दरागढ़ गांव में मरने वाले 7 आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े थे। इनमें से 4 की पहचान ग्यावर इट्टू, आदिल ठाकुर, नाजिम नजीर डार और उबैद शफी के रूप में की गई। बाकी 3 की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए देखते रहिए प्राइड ऑफ बॉर्डर लाइन।